हेलो फ्रेंड्स हाउ कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट इनटू प्राइवेट इक्विटी ये एक क्वेश्चन है जो मेरे को बहुत बार मिलता है तो मैं इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट शेयर करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट इक्विटी इतना अट्रैक्टिव क्यों है नंबर वन बिकॉज वर्क का क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छा होता है सो so इमेजिन आप एक जनरल एटलांटिक या ओक ट्री में है या वर्क वर्क पिंकस में हैं एंड आप एक को टीम के पार्ट है जो हंड्रेड मिलियन डॉलर साढ़े सात सौ करोड़ रुपया में इन्वेस्ट करेगा तो सर्टेनली एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का है प्लस पैसा बहुत है वेरिएबल पेआउट्स काफ़ी अच्छे होते हैं स्टेटस काफ़ी अच्छा होता है बट द पॉइंट इज कि इसमें एंट्री मिले कैसे तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो वाइड स्प्रेड रोल्स मिलते हैं वो टिपिकल मैनुफैक्चरिंग या सर्विस एंटिटी में मिलते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स होते हैं एक टिपिकल टाटा स्टील एक वेदांता एक हिंदाल को यू नो ह्यूज एंटिटीज जहाँ पे कॉपरेट ऑफिस से लेके प्लांट लोकेशन तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है प्राइवेट इक्विटी में बिकॉज द फील्ड इज सो लिमिटेड मतलब दस पंद्रह बीस लोग की टीम में ये पूरा काम होता है दे रियली डोंट नीड अ लॉड ऑफ पीपल यहाँ बहुत एक्टिव वेकेंसीज नहीं होती है तो हाउ डू चार्ट अकाउंटेंट्स गेट इन देर बिकॉज यहाँ तो आप क्लियरली कॉम्पीट कर रहे हो एम बी एस के साथ अगर आप इंटरनल ऑडिट टैक्सेशन अकाउंटिंग रोल्स में जा रहे हो तो क्लियरली आपका यू एस पी है जो एम बी एस के पास नहीं है बट यहाँ तो कंपनीज को ये लगता है कि नहीं एम बी एस आर मोर स्वाफ एंड मोर प्रजेंटेबल एंड दे कैन थिंक बिग पिक्चर तो आप चार्ट अकाउंटेंट कैसे घुसे तो मेरे को जो समझ में आया इसमें मल्टीपल तरीके होते हैं जो मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियोस बना के इंटरव्यूज़ भी लिया है इस चैनल पे नंबर वन अगर आप और चार्ट अकाउंटेंट के रूप में प्राइवेट इक्विटी में जाना है तो सबसे सिंपल तरीका है आप एमबीए कर लीजिए बिकॉज सीए और एमबीए बी इंडिया में फाइनेंस का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो अगर आप एक प्रेमियर बी स्कूल से एम कर लेते हैं तो या तो आपको डायरेक्टली प्राइवेट इक्विटी में एंट्री मिलेगा या वाया मैनेजमेंट कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के प्राइवेट इक्विटी में एंट्री मिल जाएगा सो फॉर एग्जाम्पल आप आई अहमदाबाद से निकले या वन ईयर एम करने गए तो आई से निकले और आप बेन में मेकिजी में बी में चले गए मैनेजमेंट कंसल्टिंग में दो ईयर टू ईयर्स वहाँ पे रह के फिर आपको प्राइवेट इक्विटी में एंट्री मिल जाएगा तो ये हुआ एक तरीका वाया एम दूसरा तरीका कि सी ए में भी इधर एज अ रैंक होल्डर और एज अ वेरी डायनामिक सी आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री पा सकते हो वंस यू गेट इन दैट टू ईयर्स के बाद प्राइवेट इक्विटी अपने आप आपको बुलाएगा सो आई हैव सीन अ लॉड ऑफ पीपल जो फॉर एग्जाम्पल सी ए में रैंक होल्डर्स होते हैं तो बी सी जी एंट्री देता है रैंक होल्डर्स को एंड द मोमेंट आप बी सी जी में दो साल डेढ़ साल बिताते हो तो दीज प्राइवेट इक्विटी गाइज आर वॉन्टिंग टू अट्रैक्ट यू एट सैलरीज ऑफ लाइक वन करोड़ मतलब आप अपना फिक्स प्लस वीरिएबल का पेआउट देखेंगे तो एक करोड़ के आसपास वो हिट हो जाता है तो वो एक दूसरा तरीका है कि भाई सी में इतना अच्छी तरह से सी करो एज अ रैंक होल्डर बनो या एक बहुत डायनामिक सी बनो कि आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री मिल जाती है और उसके बाद आप मान लीजिए आप बैंक ऑफ अमेरिका मेरे में घुस गए इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फ्रॉम देयर आई हैव सीन पीपल दे कैन मूव टू प्राइवेट इक्विटी वेरी इजी लाइक अ ब्रुकलिन कैपिटल और सो द थर्ड ऑप्शन इसकी मान लीजिए आप फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करते हो बिग फोर में एंड वो ड्यू डिलजेंस आप नॉर्मली प्राइवेट इक्विटी के लिए करते हो तो उसमें फिर आप क्या करोगे कि भाई आपका प्राइवेट इक्विटी से कनेक्ट बनता है नेटवर्किंग होता है एंड इन कोर्स ऑफ टाइम यू गेट अब्जॉर्ब देयर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दैट आप कुछ साल इंडस्ट्री में बिताओ सो फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉपरेट एम एन ए में अच्छा रोल पे हो या आप एफ एम सी जी इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट बन जाते हो जैसे हमने अपने एक वीडियो में एक जन का दिया था जिन्होंने एफ एम सी जी में एशियन पेंट्स में अपना कोर डोमेन बनाया एंड देन प्राइवेट इक्विटी में एफ एम सी जी डोमेन के वो स्पेशलिस्ट बन के मोतीलाल ओसवाल में उन्होंने एंट्री पाई सो दोज आर द फोर डिफरेंट पार्ट मतलब एज अ सी ए आप एम बी ए कर सकती हो इधर टू ईयर एम बी ए वन ईयर एम बी ए सो स प्लस एम बी एनी वेज फॉर कॉपोरेट फाइनेंस बिकम्स अ वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन तो इधर यू गेट डायरेक्टली इन टू प्राइवेट इक्विटी और वाया मैनेजमेंट कंसल्टिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दी सेकेंड ऑप्शन इज की आप सी ए में ही इतना डायनामिकली सी ए करो है इन टर्म्स ऑफ बींग अ रैंक होल्डर या फर्स्ट अटैम्प्ट या बहुत सो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बंदा थर्ड ऑप्शन है कि आप इंडस्ट्री uh, स्पेशलिस्ट बन जाओ एंड एक ऑप्शन है आपके पास कि फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस वाले जो बिग फोर में ट्रांजैक्शन एडवाइजरी है उसके माध्यम से आप घुसो एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट बिकॉज वंस आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो आपको वहां पे तो काम करना पड़ेगा अपने आपको उस टर्फ पे प्रूफ करना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के स्किल सेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज ये जो हंड्रेड मिलियन डॉलर का इवेस्टमेंट्स हो रहा है या सौ करोड़ रुपए का इवेस्टमेंट हो रहा है दैट इज ऑल डन ऑन द बेसिस ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल तो वेदर इट इज़ अ डिस्काउंटेडेडेडेडेड कैश फ्लो मॉडल या जो रूल ऑफ थर्म होते हैं इंडस्ट्री के जो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कि सेवन टाइम्स है बिट्टा टेन टाइम्स है बिट्टा तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नंबर्स का तो फाइनेंशियल मॉडलिंग अ स्किल सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड बी वेरी वेरी वेल रेड तो मैंने बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ देखा है वो अपने स्टडी मटेरियल में ट्यूशन के मटेरियल में इतने खोए रहते हैं कि वो इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड कभी ज़िंदगी में पढ़ के ही नहीं देखते हैं फिर अचानक सी ए बनने के बाद उनको लगता है कि अरे हमें तो बहुत क्रीम जॉब्स क्यों नहीं मिल रहे तो ये मार्केट भी यही देखता है ना कि भाई आप फिर ठीक है आप टिपिकल सी ए बनना चाहते हो तो टिपिकल आपको वही जॉब मिलेगा अगर आपको आई बैंकिंग वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी में जाना है तो आपको भाई एकदम पूरा होलिस्टिक व्यू होना चाहिए वर्ल्ड का कि स्टार्टअप वर्ल्ड में कहाँ कौन सा इंडस्ट्री ट्रैक्शन में है मोबिलिटी में क्या हो रहा है और फिनटेक में क्या हो रहा है एंड किस मल्टीपल्स पे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं ग्लोबली सो यू शुड हैव अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग दैट एंड थर्ड योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट योर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मे नॉट नेसेसरली बी योर एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश बट येस कम्युनिकेशन एक आर्ट होती है मैंने हाल फिलहाल में ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है हु माइट नॉट बी वेरी एक्सेप्शनल स्पीकर इन इंग्लिश बट देन जब डील मेकिंग का टाइम आता है तो वो जो जिस हिसाब से अपने आप को कैरी करते हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है एंड हाउ दे आर एबल टू प्ले दैट पावर गेम हाउ दे आर एबल टू नेटवर्क बिकॉज प्राइवेट इक्विटी इज ऑल्सो नॉट अबाउट नेटवर्किंग एक्सेस टू दट इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन दी पब्लिक डोमेन बिकॉज आपको रिलेशनशिप्स आपका उतना स्ट्रांग है तो so आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस माध्यम से इंडस्ट्री की तो इन सिल्सकेट्स पर इन्वेस्ट करिए और मल्टीपल पार्थ जो है उसके माध्यम से वाई नॉट मीन इफ देर आर पीपल हु आर लाइक टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर प्राइवेट इक्विटी वाई नॉट यू तो फॉर श्योर इट इज अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इज़ इट पॉसिबल तो आई विल से येस एंड इफ यू आस्क मी इज इट ईजी तो आई विल से नो इट इज़ नॉट ईजी मैं वो नहीं हूँ कि आंखें बंद करो और बोलो आसान है इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल तो आई विल विश यू दी वेरी बेस्ट आप हमारे चैनल पे भी देखेंगे बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी की मैंने मास्टर क्लासेस भी लगाई हैं एंड पीपल हु हैव बीन थ्रू मैनेजमेंट कंसल्टिंग इन टू प्राइवेट इक्विटी एक्सेट्रा उनके साथ भी वीडियोस लगाए हैं और अब और लिंक पे लोगों से कनेक्ट करेंगे तो विल गेट तो अ फर्दर अंडरस्टैंडिंग तो आपको अगर इस एरिया में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ डेवलप द स्किल सेट्स गेट इन टू द राइट नेटवर्किंग मोड एंड आप बाई साइड प्राइवेट इक्विटी में वाई नॉट यू विल बी एबल टू गेट दैर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा बिकॉज ये वीडियोज़ जनरली आपको इंडस्ट्री वाले बहुत कम बनाएंगे तो अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे को लगता है कि उसका मेरे को जो मोटिवेशन यही होता है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें उस पर कमेंट करें लाइक करें तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि ठीक है मैंने टाइम निकाल के कुछ किया है तो इट्स वर्थ इट थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बाय